अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री फिजिक्स पार्ट वन के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, जिसके कंटेंट्स हैं स्टोइकोमेट्रिक कन्वर्जेंस, जिसमें है मोल मोल कन्वर्जेंस, मोल मास कन्वर्जन एंड मास मास कन्वर्जेंस। सबसे पहली बात यह है कि स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स क्या है। तो स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप जो है, कैलकुलेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म ऑफ मोल्स मैसेज पार्टिकल एटसेट्रा इज नोन एज स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स। स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप में हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप्स ढूंढते हैं, रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं इन डिफरेंट यूनिट्स में या डिफरेंट टर्म में। टर्म कौन कौन से हो सकते हैं? टर्म मोल्स भी हो सकते हैं, मैसेज भी हो सकते हैं और पार्टिकल भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ आयन एटम और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप में भी स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? मोल मोल कन्वर्जन, मोल मास कन्वर्जन, मास मास कन्वर्जन। हम इन तीनों को अलग अलग से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला जो है वो है मोल मोल कन्वर्जन। मोल मोल कन्वर्जन में होता क्या है? इफ वी आर गिवन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस, वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ एन अदर सब्सटेंस। अगर हमें एक सब्सटेंस के मोल गिवन हो तो हम उसकी मदद से दूसरी सब्सटेंस के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है, ऑक्सीजन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3। हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 10 मोल्स ऑफ KClO3। कहते हैं कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है बाय द डीकंपोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। अगर हम 10 मोल पोटेशियम क्लोरेट लें और इसको हीट अप करके डिकम्पोज करें तो हम कितनी ऑक्सीजन गैस ले सकते हैं? तो इसके सोल्यूशन में लिखा है, सोल्यूशन में देखते हैं। इसके सोल्यूशन में है स्टोइकोमेट्री की डिफिनीशन, हम कहते हैं थ्योरेटिकल के कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, राइटिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन है इस स्टेटमेंट का, 2KClO3 डिकम्पोज टू फॉर्म 2KCl+3O2। हीट करने से क्या होता है? हीट करने से ऑक्सीजन और पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूस होते हैं। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें पता चला कि 2 मोल्स पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 2 मोल्स पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब क्वेश्चन पूछा है कि 10 मोल पोटेशियम क्लोराइड कितनी ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा? देन 10 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल प्रोड्यूस, लिखा हुआ है स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन, 2 मोल KClO3 प्रोड्यूस 3 मोल ऑक्सीजन। देन 10 मोल KClO3 विल प्रोड्यूस, दिस इज कन्वर्जन फैक्टर 3/2 टाइम्स 10 मोल्स। तो 2 5s are 10 and 5 3s are 15 moles of oxygen will be produced when 10 mole of potassium chlorate are decomposed. तो ये है मोल मोल कन्वर्जन। अब ये देखें, अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गिवन है मोल में, और हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट किया किस में? मोल में। तो इसलिए इसको कहते हैं मोल मोल कन्वर्जन। और मोल मोल कन्वर्जन वो होता है जिसमें गिवन सब्सटेंस, गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी क्या हो? मोल में हो, और रिक्वायर्ड सब्सटेंस भी, रिक्वायर्ड सब्सटेंस भी क्या हो? मोल्स में हो। तो इसको कहते हैं मोल मोल कन्वर्जन। दूसरा है मोल मास कन्वर्जन। मोल मास कन्वर्जन में है, अगर हमें
नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो वन सब्सटेंस के, तो उस नंबर ऑफ मोल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस नंबर ऑफ मोल की मदद से हम ग्राम कैलकुलेट कर सकते हैं, मास कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं मोल मास कन्वर्जन। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय थर्मली डिकम्पोजिंग 8.8 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट। कहते हैं कि जब जिंक कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो इस ये कन्वर्ट होता है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। क्वेश्चन में पूछते हैं कि अगर 8.8 मोल जिंक कार्बोनेट हो तो ये हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा। स्टोइकोमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन लिखी हुई है, फ्रॉम इक्वेशन वी नो दैट, और इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि 1 मोल जिंक कार्बोनेट प्रोड्यूस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देन 8.8 मोल जिंक कार्बोनेट विल प्रोड्यूस 1/1 टाइम्स 8.8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द डीकंपोजिशन ऑफ जिंक कार्बोनेट विल बी 8.8 मोल, 8.8 मोल जिंक कार्बोनेट भी है और 8.8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि रिएक्शन का इस केमिकल इक्वेशन में इस रिएक्शन का रेशो क्या है, 1:1। अब यहाँ पे हम मोल को मास में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 8.8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ये हमने कैलकुलेट किया। अब इस 8.8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को हम सिंपली क्या करते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। और ये पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जब हम किसी चीज़ को मोल से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं और हमें मोल्स गिवन हो, तो जिस चीज़ के, जिस सब्सटेंस के, जिस फार्मूला के मोल्स गिवन होंगे उसको उसी सब्सटेंस के मोलर मास से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास उससे कैलकुलेट होंगे क्या, नंबर ऑफ कैलकुलेट होंगे ग्राम्स। तो इधर देखिए, कन्वर्टिंग इनटू ग्राम, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम पर मोल, जो पहले जिसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कार्बन 12 है और ऑक्सीजन 2, 16, 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल। मास इन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 8.8 मोल हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ जिंक कार्बोनेट, और इसका मोलर मास है 44 ग्राम पर मोल। मोल मोल से कट गया और 8.8 को जब हम 44 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 387.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ 8.8 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट। दिस इज कॉल्ड मोल मास कन्वर्जन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, मोल मास कन्वर्जन। नेक्स्ट जो है हमारे पास मास मास कन्वर्जन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मास मास कन्वर्जन। मास मास कन्वर्जन में आते हैं मास मास कन्वर्जन की तरफ। इन दिस केस वी हैव टू कैलकुलेट मास इन ग्राम। इस केस में हम मास इन ग्राम कैलकुलेट करेंगे। इफ वी आर गिवन मास, मास गिवन भी हो और मास हमें कैलकुलेट भी करना है इस केसेस, इन केसेस में। यहां पे अगर हम देखें, यहां पे कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स हमने लेने होंगे। फर्स्ट वी विल कन्वर्ट गिवन मास इनटू मोल्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे। एट द एंड, आखिर में क्या करेंगे, द नंबर ऑफ मोल विल बी कन्वर्टेड टू ग्राम अगेन। इसी तरह हम क्या करेंगे, गिवन मास को हम मोल में कन्वर्ट करेंगे, उसको केमिकल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, उस पर स्टोइकोमेट्री का अप्लाई करेंगे, उसके बाद जितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसको वापस क्या करेंगे, मास में कन्वर्ट करेंगे। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल व्हेन रिएक्ट कंप्लीटली विद ऑक्सीजन। कहते हैं कि कितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा अगर 14.5 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो 14.5 ग्राम, तो हमें गिवन डेटा किस फॉर्म में, मास ग्राम में है,
और हमने कैलकुलेट इसको कैसे करना है, किसमें करना है, ग्राम में करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ जाते, राइटिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फोर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। 4 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन से अगर हम देखें तो 4 मोल एल्यूमिनियम है, 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें देता है, तो 14.5 ग्राम एल्यूमिनियम हमें कितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड देगा। तो इस पे कन्वर्जन फैक्टर लगाएं, 2/4 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम हमें ग्राम में गिवन है, तो इसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 14.5 केवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इससे हमारे पास आ गया 0.54 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। अब इस 0.54 मोल ऑफ एल्यूमिनियम को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/4 से, तो मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस इज इक्वल टू 2/4 टाइम 0.54 इज इक्वल टू 0.27 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो 14 ग्राम एल्यूमिनियम मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो हमें कितना मोल्स देते हैं, हमें वो एल्यूमिनियम देता है 0.27 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन इसको हमने मोल में कैलकुलेट किया, लेकिन ये मास मास कन्वर्जन है, तो इस मोल को हम मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है 0.27, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है 102, एंड द मोल्स प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन फ्रॉम 14.5 ग्राम इज 0.27 मोल्स। तो यहाँ पे 0.27 को अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें किस से, मल्टीप्लाई करें 102 से। 102 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आते हैं 27.54 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि गिवन डेटा भी क्या था, गिवन डेटा भी ग्राम में था, और हमने उसके आंसर को या रिक्वायर्ड अमाउंट को भी हमने क्या किया, रिक्वायर्ड अमाउंट को भी हमने क्या किया, मैस में कन्वर्ट किया। तो इसको कहते हैं मैस मैस कन्वर्जन। इसके लिए मैं एक सिंपल लिख देता हूँ कि अगर मैस गिवन हो तो सबसे पहले उस मैस को आप क्या करें, मोल में कन्वर्ट करें, फिर उसी मोल को वापस किस में कन्वर्ट करें, मैस में कन्वर्ट करें। तो ये है मैस मैस कन्वर्जन। अब इसी के साथ आज का हमारा इतना ही लेक्चर था, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर सोन। थैंक यू।